सानिया, सानिया आ गई। सानिया 2 बजे डॉक्टर के पास पहुंचना था, 2 यहीं बज गए, अब जल्दी चलो। बेटा सुनो, बेटा ऐसी हालत में ऊंची एडी के सैंडल पहनकर जाना ठीक नहीं है, कोई सीधे साधे चप्पल पहनकर जाओ ना। जी सुनो बेटा, मैंने ऐसे कहा तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं नहीं आंटी जी, अगर मेरी माँ होती तो मेरी इस बेवकूफी के लिए वो भी मुझे डांटती। मुझे पता नहीं है ना कि ऐसे में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, आप बेझिझक मुझे कह दिया कीजिए। संस्कार ये दिन और उनसे जुड़ी यादें बहुत खास होती हैं। अब मुझे लगता है कि तुम्हें ये कैमरा अपने पास रखना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हें हर महीने सानिया की फोटो खींचनी चाहिए, यादें बनी रहेंगी। तो ठीक है, अभी से फोटो क्लिक करनी शुरू कर देते हैं। स्माइल। हाँ, पर आंटी जी के साथ एक फोटो। ये लो। आइए, एक फोटो खिंचाते। नहीं बेटा, मुझे फोटो नहीं खिंचवानी। एक फोटो आंटी जी। नहीं नहीं, मुझे नहीं खिंचवानी। एक फोटो खिंचाते ना, सिर्फ एक। नहीं बेटा मुझे। अरे आंटी, एक फोटो तो है। मुझे नहीं खिंचवानी। खींचिए खींचिए, खिंचवाइए। मैं तो कहती हूँ इसकी तस्वीर खींच के रखी, कहीं कल को चोरी चकारी करके भाग गई ना तो पुलिस में देने के लिए अच्छी रहेगी। हाँ, एक फोटो आंटी जी। नहीं बेटा, फोटो नहीं खींचवानी। एक फोटो आंटी, एक खींचवा लीजिए ना। नहीं बेटा, सिर्फ एक। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए तस्वीर। स्माइल स्माइल स्माइल। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वो मैं जीन्स पहन के अपनी तस्वीर खिंचवाना चाहती हूँ। जीन्स मैं पहन के आती हूँ। मामी, ये साड़ी बहुत अच्छी है। ये साड़ी? नहीं नहीं, ये तो बहुत पुरानी है। मैं छोड़ो ना, मैं आती हूँ। आया है, मगर जीन्स के ऊपर पहनने के लिए शर्ट नहीं है मेरे पास। क्या पहनूं? साड़ी अच्छी है। मामी जी, अभी रहने दीजिए ना, एक फोटो ऐसे ही चले। चल, बहुत अच्छी लग रही है। नहीं, मुझे जीन्स में एक एक एक। आई आई, मुझे जीन्स में। मामी जी, जीन्स में कल, अभी साड़ी। आंटी जी, ये पल्लू हटाएगी ना एक फोटो। एक ही तो फोटो खिंचानी है। हाँ, हटाइए। हटा हटाओ ना। खींचो खींचो, जल्दी से खींचो। आंटी स्माइल तो कीजिए। नमस्ते। अरे नमस्ते। नमस्ते, कैसी हैं आप? हम बिल्कुल ठीक हैं। पागला कुमैया, क्या कहा? ये कौन है? तुम जानती हो इन्हें? जी नहीं, बड़ी है ना इसलिए पैर छुए। तुम भी बड़ी अजीब औरत हो, कभी रात को घर से गायब रहती हो और कभी बिना जान पहचान के पांव छूने लगती हो। आप आइए ना, अंदर आइए। हाँ, अरे सानिया बेटा, कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ दादी।
स्वर्ण भवन छोड़कर ससुराल के आ गई, हमारी याद नहीं आती। आने को मन नहीं करता है क्या? आऊंगी ना, बहुत जल्द आऊंगी। बस अभी हम डॉक्टर के पास जा रहे थे, हमारा अपॉइंटमेंट है। जाओ बेटा जाओ। आइए ना बैठिए। संधन जी, आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। हाँ बोलिए ना। यहाँ चलिए, अंदर चलते हैं। चलिए। अब खड़ी क्या हो, जाओ चाय नाश्ते का इंतजाम करो। देख नहीं रहे हो मेहमान आए हैं? नमस्कार। नमस्कार, बैठिए प्लीज। जी कहिए। देखिए सभी ट्रस्टियों की तरफ से मैं आपसे ये पूछने आया हूं कि हर साल की तरह इस साल भी आप अपनी स्वर्गीय पत्नी की पुण्यतिथि पर उनकी आत्मा की शांति के लिए जो मंदिरों में पूजा करवानी है, गरीबों को अन्न बंटवाना है, कपड़े बंटवाना है, तो इस साल आप क्या क्या करवाएंगे ये सब मुझे बता दीजिए, तो मैं सब सामान अच्छी तरह से मंगवा के रखें, क्योंकि मुझे मालूम है कि पूजा में कोई भी चीज की कमी आपको पसंद नहीं है। लेकिन इस बार मैं कोई पूजा नहीं करना चाहता नागर साहब। ये क्या बात कर रहे हैं वकील साहब, आज तक इतने सालों में आपने कभी कुछ, लेकिन इस बार नागर साहब इस बार भी पूजा होगी और दान भी दिया जाएगा। बाकी सब डिटेल्स मैं आपको फोन पे बता दूं। अच्छा नमस्कार। नमस्कार। उसके नाम पर मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, डू यू अंडरस्टैंड? पापा आई अंडरस्टैंड, मैं जानता हूँ आप माँ को लेकर बहुत अपसेट हैं, हम सभी हैं, पर पापा इस बात को दुनिया वाले कुछ और समझे, हमें उन्हें मौका नहीं देना चाहिए। बिमल ठीक कह रहा है जीजा जी, बीते हुए कल की खातिर हम आने वाला कल तो खराब नहीं कर सकते ना। जैसा तुम लोग ठीक समझो। कोई अगर और बात होती तो हम शायद ऐसा कभी नहीं सोचते, पर हालात कुछ ऐसे हैं कि ऐसा करें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। संधन जी, अब हमने तो जैसे भी अब तक घर को संभाला है, पर आखिर संधन जी हम और कब तक रहेंगे? हम जानते हैं आभा में वो सब गुण हैं कि वो एक परिवार को बांध के रख सकती है, पर है तो आखिर वो बच्ची ना, हर बात तो उसके साथ की नहीं जा सकती। चक्कू भी बस अभी अपने में ही रहने लगा है, हमें बहुत चिंता है जगमोहन की। आपकी नजर में कोई है क्या? यशोधरा प्रतिभा की बहन है, कुछ दिनों से वो हमारे ही यहाँ ठहरी है। आइए चाय रख दीजिए। आप कुछ खाने के लिए भी लेके आइए। आप ठीक सोच रही हैं, बच्चे उनके लिए पराए नहीं हैं और बच्चों के लिए भी वो भी पराए नहीं है। हमें लगता है कि करण को समझाने के लिए हमें आपकी मदद की बहुत जरूरत है। एक बार प्रतिभा की जगह भर जाए तो कनिका का ब्याह भी जल्दी हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, कनिका का ब्याह अच्छी जगह पे हो जाएगा।
कैसी परीक्षा ले रहे हैं भगवान, आप ही कोई रास्ता दिखाओ प्रभु, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आपको कुछ चाहिए निर्मला जी? मैं मंदिर जाना चाह रही हूँ। ये है कौन? ये आप जाइए मंदिर जाइए। ये एक बेसहारा औरत है, संस्कार को बाजार में मिली थी। कहने के लिए उसके परिवार का कोई है नहीं। सानिया की देखभाल के लिए संस्कार उसे यहाँ ले आया। हमें भी घर के काम के लिए मदद मिल गई और उसे भी सर छुपाने के लिए छत मिल गई। पापा, हर साल माँ की आत्मा की शांति के लिए ये पूजा आप ही करते हैं। अगर इस साल आप ये पूजा नहीं करेंगे तो पूजा अधूरी रह जाएगी। अब आप प्लीज, हम सबके लिए ही सही, चलिए ना पापा। पापा प्लीज, इतने सालों से जो पूजा आपके हाथों हो रही है, इस बार भी आपके हाथों होनी चाहिए, चलिए ना प्लीज। प्लीज माँ के होते हुए मेरी बेटी को बिन माँ की बिगड़ी औलाद कह रही है दुनिया, इनके इतने पास होते हुए मैं कुछ नहीं कर पा रही, समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, आप ही कोई रास्ता दिखवाइए भगवान। बहन जी आपके दर्शन हो गए, एक तरफ हो जाइए, क्योंकि शहर की मानी हुई हस्ती अपने पूरे परिवार के साथ पूजा करवाने के लिए आ रही। पूजा की तैयारियां हो गई? पूजा की सारी तैयारियां हो गई, हर साल की तरह आप मुझे से पूजा करवाते हैं प्रतिभा देवी की आत्मा की शांति के लिए। शुरू करते हैं।
हेलो, ये क्या कर दिया आपने? मेरी पत्नी की आत्मा की शांति के लिए पूजा चल रही है और आपने ये? पापा, इट्स ओके, गलती से हो गया। हम पूजा चालू करते हैं, आप जाइए। किसी ने पूजा में कोई बाधा नहीं डाली, शायद मेरा मन ही नहीं है। मैं ये पूजा नहीं करूंगा। नहीं मैं मानी जीजा जी, लेकिन वो तुम्हारी भी बहन थी, तुम दोनों ये पूजा कर दो, मैं दान देकर जाना चाहूंगा। हे भगवान, ये कैसी विडंबना है, मेरी ही आंखों के सामने मेरी आत्मा शांति की पूजा की जा रही है। हमारे घर में सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आज कोई अपनी बात पे अमल नहीं कर रहा। पहले तो बोला कि वहां जाके पूजा करेंगे, और अब देखो एक छोटी सी बात के लिए पूजा छोड़ के चलेगा। टू मच डबल स्टैंडर्ड एंड हाउ। ले लो। छुपाकर मैंने कहा था तुमसे, मैंने कहा था ना तुमसे, सोचो वो उज्जैन में क्या कर रही है, मैंने तुम्हें कहा था। करण, हाँ, पर हमें पूरा विश्वास है करण, उससे हमें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो वो आपको गिरने से ना बचाती और आपको चोट लगने पर आपको हल्दी वाला दूध ना देती। जो भी हो आप,
कोई तो वजह होगी ना कि वो सिंगापुर से उज्जैन आ गई। हाँ बात तो होगी, पर हमें पता लगाना होगा।